Hey guys, welcome to today's vlog. आज के vlog में आप सबका स्वागत है और जैसा कि मैंने बताया था कि एक सरप्राइज जर्नी हम स्टार्ट कर चुके हैं. जर्नी हम बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं. फिलहाल अभी हम रुके हैं एक सुपरमार्केट पे क्योंकि अपने को थोड़ा सा खाना पैक कराने का है और आज हम लेट हो गए वैसे भी. तो अपन ने भी जर्नी स्टार्ट कर दी है और अपन जा रहे हैं कुंभलगढ़. यहाँ से अपने घर से जो है दैट इज अराउंड 283 किलोमीटर दूर है अपने यहाँ से एंड इट विल टेक अराउंड 6 hours 10 minutes टू रीच. ये मैंने सीधा कुंभलगढ़ अपना रिजॉर्ट का एड्रेस डाला है, ये सीधा वहाँ का रास्ता है. इतनी सारी पैकिंग होगी, सारा सामान पीछे रखा है. द रीजन वाई शी इज ड्राइविंग इज बिकॉज मेरे को करनी है अभी कल के ब्लॉग की एडिटिंग. ऊपर से कोई अगर रास्ते में कोई अच्छी जगह दिखेगी ना मस्त वाली एकदम, जहाँ पे वीडियो अच्छी आएगी या फिर अपनी फोटो अच्छी आएगी. फोटो तो वैसे मेरी अच्छी आ जाती है, इसकी नहीं आती. इसकी एडिट कर दूंगा फोटो. और कुंभलगढ़ फोर्ट तो ऑब्वियसली बात है, कुंभलगढ़ जा रहे हैं तो कुंभलगढ़ फोर्ट तो घूमना ही घूमना है. टाइम पर अगर पहुँच जाए वैसे तो हम लेट हो गए. वी वर सपोज टू लीव बाय 7 in the morning बट मेरी नींद बहुत ज़्यादा अच्छी है. मेरी नींद ही गॉट रेडी बिफोर मी. मैडम ने मेरे को उठाया था, मैं तो उठा नहीं था. आई स्लेप्ट अराउंड 3:30. शी स्लेप्ट बिफोर मी. मेरे को नींद ही नहीं आ रही. मेरे को थोड़ा एक्साइटमेंट था ट्रिप को लेके. जब नींद आई तो अलार्म बजने शुरू हो गए यार. सुबह के 5:30 बजे तो अलार्म लगाया था मैंने. लग रही है बहुत जोरों की भूख. समोसे पैक करा के लाए थे. चाय आएगी तो थोड़ा पेट पूजा करेंगे यार. वही रास्ता है जो जहाँ से हम अपन पोलो फॉरेस्ट गए थे. चाय नाश्ता कर लेते हैं थोड़ा सा. जैसा कि बताया भूखी है बेचारी सुबह की यार. चाय नाश्ता अपन ने कर लिया एंड शी इज लाइक कि ड्राइविंग तो भैया मैं ही करूँगी. फाइनली मैंने अभी अमन को ड्राइविंग करने के लिए दे दी है. मेरे को अभी एक स्पेशल टास्क करना है जो अमन ने एडिटिंग करी है ना वो फाइनलाइज करनी है. फाइनल करना तो मेरे हाथ में रहता है. क्या एडिट हो जाएगा और क्या नहीं होगा ये सब एडिट हो जाएगा. ये झूठ बोल रही है ना. मैंने ड्राइविंग इसलिए ले ली क्योंकि इसे ड्राइविंग ना हो नहीं रही थी. सच बताऊं तो झूठ मत बोल. आप झूठ हाँ रहने दे. फाइनल एडिटिंग गाइस मेरे हाथों में होती है, इसके हाथों में नहीं होती है. तब तक फाइनल एडिटिंग आपकी फाइनल नहीं होती तब तक मैं फाइनल नहीं करती. ऐसा कुछ नहीं, मैंने एक्सपोर्ट भी कर दी वीडियो. अभी वो मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ. सी अभी एक्सपोर्ट हो गई एक्चुअली. तो एक्सपोर्ट हो गई एक्चुअली. मैं वही तो बोला मैंने एक्सपोर्ट कर दी है. ये मेरी मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूं. मैंने पूरा वीडियो देखा है, फाइनल किया है, उसके बाद एक्सपोर्ट किया है हमने. देवारे देवा ये झूठ बोल रहा है. ये झूठ बोल रहा है अभी. ठीक है मान ले, जनता ने मान लिया मैं झूठा. ये सच्ची है. बी ऑनेस्ट फाइनल एडिटिंग मैडम के हाथों में रहती है. जब तक इनका ग्रीन सिग्नल नहीं आता तब तक मैं नहीं डालता. सब्जी मंडी टाइप्स लग रही है मुझे इस एरिया की. ये देखो यहाँ पे राइट ही है ना यहाँ से. हाँ, दुकान ही दुकान. गांव है वैसे ये एक. और एक तो पता नहीं कौन से अनोखे रास्ते पे आ गए हैं. गांव का रास्ता पूरा. और कह रहा है नेशनल हाईवे. ये गूगल देवता बताते हैं नेशनल हाईवे. जरा दिखाना जरा नेशनल हाईवे अपना. ये है हमारा नेशनल हाईवे. गाँव के बीच में से जा रहा है अपना नेशनल हाईवे. पहले से ही चॉकलेट्स लेके रखे थे कि अगर रास्ते में हमें बच्चे दिखेंगे तो विल गिव देम अ चॉकलेट. एक छोटा सा जेस्चर होता है, उनके चेहरे पे खुशी आ जाती है जो कि बहुत अच्छी लगती है. अपनी गाड़ी में बिस्किट्स के पैकेट भी रखते हैं अगर कभी हमें ऐसा कोई दिखता है कि जिसको जरूरत है. हम उन लोगों को भी देते हैं यार. दो दे दे बस. एक तो दे. अरे भाई अरे यार अबे सबको देता हुआ आया हूँ. डब्बा पड़ा है क्या फेंक दे. ऐसे दे दूं ये मेरे को पकड़ लियो. पहुंच गई. एक और है ना इसके लिए भी ले 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 पकड़. पता नहीं डर क्यों रहे. ठीक है कश डर क्यों रहे थे. अच्छा अरे चलो बाय बाय. तो दैट्स गुड कि वो एकदम से भाग गए. यू नेवर नो यार किसका क्या इंटेंशन हो. तो वो अपनी जगह से बिल्कुल सही कर रहे हैं बच्चे. फाइनली वी हैव रीच्ड और
दिस इज द मेन एंट्रेंस, आगे देखते हैं कैसा रहेगा। बढ़िया, पूरा गार्डन टाइप व्यू। भाई बुकिंग है हमारी नम्रता के नाम से होगी है। गाड़ी बाहर खड़ी करी थी बट वहाँ से अपना चेकिंग करा के वी हैड टू टेक आर कार ताकि गाड़ी अंदर पार्क हो जाए। यहाँ से दोबारा एंट्रेंस कराई इन्होंने, आगे गेट था जहाँ से एंट्रेंस करनी थी। और थोड़ी बहुत लोकेशन दिखा देता हूँ यहाँ की कैसी है। ये होटल है, नीचे जाके रूम है, दिस इज़ द व्यू। बट रूम में चला के देखते हैं व्यू कैसा आता। लेट्स गो गाइस, चलिए आपको आज हम अपने रूम का रूम टूर देते हैं, बताते हैं कैसा रूम मिला है हमें। ये है इस रूम का वॉशरूम, सेपरेट बाथिंग एरिया है। प्रीटी गुड, अच्छा नाइस, मुझे अच्छा लगा, गुड। इसमें हेयर ड्रायर वगैरह सब कुछ है, अलमीरा है सामान रखने के लिए, और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है रेडी होने के लिए, तैयार हो जाओ भाई। और टीवी है, काफ़ी बड़ा टीवी है, केटल वगैरह सब अवेलेबल है रूम में, पानी का जग वगैरह सब है। और सबसे अच्छी चीज़ तो इसकी है ये बेड, मतलब इस पर चढ़ने के लिए भी आपको स्टेप्स दिए हुए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है ये बेड यार। और छोटी सी एक डाइनिंग एरिया दिया हुआ है, डाइनिंग टेबल्स हैं। और आपको बालकनी दिखाती हूँ, बहुत ही बड़ी बालकनी है यार इसकी, तो सर इसकी बालकनी, ये व्यू हमारी बालकनी से। हमने मंगवाए पकोड़े, मेरा क्लब सैंडविच विथ फ्रेंच फ्राइज एंड जिस समोसा जो हम लेके आए थे गांधीनगर से, गांधीनगर का समोसा यहाँ खाया जा रहा है। थोड़ा सा खा पी लेते हैं, उस पर चलते हैं, होटल का टूर कराते हैं। तो रूम का टूर करा दिया होगा इसने, बहुत ही गंदा टूर था इसका, मेरा वाला इसने एडिट कर दिया, इतना अच्छा मैंने बोला था। GoPro iPad सब चार्जिंग पर लगा दिया, फोन अपना अभी चार्जिंग पर लगा देता हूँ बस, और खा पी के चलते हैं, होटल देख के आते हैं कैसे। तो दिस इज़ द वे डाउन टू द रिजॉर्ट, तो एक बार नीचे चलते हैं देख के आते हैं कि यहाँ पे पूल कहाँ पे है। ठंड में कोई स्विमिंग करना चाहेगा, नमसा स्विमिंग करेगी ठंडक में, कुकड़ी जम जाएगी, जमा ले कुकड़ी, क्या हो गया, ठंड में स्विमिंग करेंगे मज़ा आएगा। डाइनिंग एरिया भी एक्चुअली नीचे ही है एक्चुअली। अभी का नज़ारा देखेगा नहीं ढंग से क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है एंड वी आर प्रीटी लेट। तो कल सुबह आएंगे एक बारी, कल सुबह आके फिर से दर्शन करेंगे इस रिजॉर्ट के। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या ये, केमिस्ट्री केमिस्ट्री। एंड दिस इज द पूल एरिया, पूल नवदा चल रही है, स्विमिंग करके आते हैं आज, कितना मस्त है ना यहाँ पे। एक बार सुबह आएंगे ना, सुबह सुबह आएंगे ना, सुबह व्यू दिखाएंगे। चलिए रूम में चलते हैं फिलहाल, क्योंकि अंधेरा हो चुका है। क्रिसमस ट्री जो लाया और डेकोरेशन का सामान लाया है वो डेकोरेट करते हैं, लेट्स गो। ठंड भी बहुत है यार, तभी कमरे में जाके सेलिब्रेट करेंगे। स्वेटर पहना हुआ मैंने अभी, आई थॉट कि ठंड नहीं होगी बट ठंड है भाई। स्वेटर मैंने कम टू द रूम बिकॉज रूम में थोड़ी सी गर्माहट है, थोड़ा सा कोजी सा है। क्रिसमस ट्री निकाले हैं और ऊपर से फिर अपना डेकोरेशन का सामान जो गया है वो सब निकालो, अभी सेलिब्रेट करेंगे यार। अरे हम स्पीकर लाना भूल गए, बेस्ट पार्ट था हमने ब्लूटूथ स्पीकर हमने चार्ज करके रखा था ओवर नाइट, वो लाना ही भूल गए। आई थिंक ये हमें यहाँ लगा देते हैं, हम तो यहाँ पे प्लग पॉइंट है क्योंकि हमारी फेरी लाइट भी लग जाएगी। और ये मेरी इंजीनियर बीवी क्रिसमस ट्री लगाती हुई, इंजीनियर है नहीं ये। अरे वाह तुमने लगा दिए, उल्टा लगाया, मैंने बोला था ना देखो ये, देखो ये फ्लैट सरफेस नहीं, देखो जरा देखो, दिखा 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 दिखा, जनता को दिखाने दे, जनता को दिखाने दे। मैं तारीफ कर रहा था मैं तुम्हारी यार, मतलब ये तो एडिट भी नहीं होगा, ये तो रॉ जाएगा सीधा, मतलब स्टैंड ही उल्टा लगा दिया, क्रिसमस ट्री भी झूलेगा अपना। हम करते हैं थोड़ा सा आराम क्योंकि डेकोरेशन तो वैसे भी ये कर ही देगी, कर देगी
एडिट हो जाएगा ये, तो नहीं बोला ना तुमने, ये एडिट कर दूंगा मैं, तो लोगों को लगा तुमने डेकोरेट कर दिया। हाँ, करो करो डेकोरेट करो। ये तो उसने बताया था शॉपकीपर ने कि इसकी जो पत्तियां ये यूं करके निकालते रहो। हो गया डेकोरेट, अब उस पर लगाते हैं लाइट्स, बड़े वाली फेरी लाइट्स। फेरी लाइट्स निकालो, आप रख दो उसको। डेकोरेशन हो चुका है। मेरी मम्मी हर बार मुझे याद है जब मैं छोटी थी, हर साल हम क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते थे, मुझे गिफ्ट्स मिलते थे हर क्रिसमस पे। गाइस तो आज का ब्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो कीप वाचिंग एंड कीप वेटिंग फॉर आवर नेक्स्ट ब्लॉग। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।